जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने सेंचुरियन के मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम को करारी हार का सामना कराया। पहली ऐसी एशियाई टीम बनी जिसने साउथ अफ्रीका को उनके सेंचुरियन के मैदान पर हराया है। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से कोहली से पहले भारत के महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में 1-1 से टेस्ट मैच जीते थे। साउथ अफ्रीका की इस जीत के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है। आप सभी को बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की जीत की बधाई दी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का नाम नहीं लिया। गांगुली ने अपने ट्वीट में कहीं भी इतिहास रचने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम का जिक्र तक नहीं किया। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट मैच में शानदार जीत के लिए टीम इंडिया और विराट कोहली दोनों को बधाई दी दोस्तों, क्योंकि विराट कोहली का जोश देखने लायक था। अगर दूसरे दिन बारिश हुई उसके बावजूद भी इनका जोश बना हुआ था। आपको बता दें गांगुली ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि यह सेंचुरियन भारत की पहली टेस्ट जीत के ऐतिहासिक है। गांगुली ने ट्विटर पर लिखा कि टीम इंडिया की शानदार जीत जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को भरोसा था इस सीरीज में भारत को हराना काफी मुश्किल था। ऐसा करने के लिए साउथ अफ्रीका को अपनी सीमा यानी कि जो उनका अब तक का सबसे बेस्ट था अब उसके ऊपर भी देना था। नए साल का एंजॉय करो क्योंकि नए साल का शुरुआत हो रहा है और साल का अंत इतना जीत के साथ शानदार के साथ मतलब अलग बात है। और उन्होंने ये भी लिखा कि इस साल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में यादगार जीत के बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को गर्ल सेंचुरियन में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। तो विराट कोहली का जिक्र नहीं किया, तो सचमुच क्या दादा और कोहली के बीच सब कुछ सही चल रहा है या कुछ अभी भी खटपट है? अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों सौरभ गांगुली को कोरोना हुआ था, कोलकाता के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, उनकी हेल्थ रिपोर्ट सही आई है। आपको बता दें दोस्तों कप्तान के रूप में कोहली का था ये 35वां टेस्ट मैच, विदेश में बतौर कप्तान ये उनका 35वां टेस्ट था। उन्होंने 16 मैच जीते हैं और 13 हारे हैं, वहीं 6 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे। अपने ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो विराट ने 67 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है। इस दौरान टीम इंडिया को 40 में जीत मिली है, 16 मैचों में हार और 11 मैच ड्रॉ रहे। टीम इंडिया ने साल 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में जोहान्सबर्ग टेस्ट जीता था और अब उन्होंने सेंचुरियन में भी टीम को जीत दिलाई है। इंग्लैंड की बात करें तो साल 2018 में टीम इंडिया ने ट्रेंट ब्रिज में टेस्ट जीता था और उसके बाद 2021 में लॉर्ड्स और ओवल में टीम ने टेस्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने 2018 मेलबर्न और एडिलेड टेस्ट जीता था, लेकिन ये जीत कुछ अलग ही जीत है क्योंकि कप्तानी विवाद के विवाद बीच दोस्तों विराट कोहली ने अपनी कप्तानी दिखाई, अपने बल्ले से रन नहीं निकले। भले ही साल 2020 और 2021 उनके लिए दो ऐसे साल रहे जब उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला, ये दर्ज हो गया इतिहास में। लेकिन 2022 बड़ी उम्मीदों के साथ आएगा। विराट कोहली की 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट शुरू होना है, 11 जनवरी को तीसरा टेस्ट, तो उम्मीद रहेगी इस खिलाड़ी पर कि इन दो टेस्ट में एक न एक शतक तो निकले और शतक का सूखा हो खत्म। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।